हाउ टू इंक्रीज एडमिशन इन योर स्कूल, ये सवाल हर स्कूल ओनर के मन में होता है. Somebody who has started a new school, somebody who is making sincere efforts to give best facilities to the learner, and somebody who has a well-established institution or a school. जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल और आज हम अपने वीडियो के अंदर एक एक करके कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे स्ट्रेट हाउ टू ब्रिंग मोर एडमिशंस के ऊपर बातचीत होगी. सबसे पहले, डू यू हैव अ क्लियर विजन? क्या आप अपने पेरेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटीज कराकर या बिल्कुल बिना एक्टिविटीज के? मैं ये सारी चीजें आपको जो आज वीडियो के अंदर बताने वाली हूं बहुत कन्विक्शन के साथ, मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ. मैंने दो डिफरेंट स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया एज अ प्रिंसिपल, जहां पर जीरो या बिल्कुल नेग्लिजिबल एडमिशन से स्टार्ट किया. 3 साल के अंदर ये फिगर 3000 से लेस एंड मोर देन दैट. 3 साल के अंदर एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफर केसेस नॉट अ सिंगल टीसी. आर यू सरप्राइज्ड? डोंट बी, बिकॉज मैं एक वर्कशॉप करने वाली हूं जिसमें क्या वो टेक्निक्स थी, क्या वो टेम्पलेट रिपीट हो सकता है और किस किस के लिए रिपीट हो सकता है, मैं डेफिनेटली बताने वाली हूं. दूसरा मॉडल जहां पर स्विच लिया फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड टू सीबीएसई, अगेन एक्सेप्ट ट्रांसफर केसेस नॉट अ सिंगल टीसी एंड मोर एडमिशंस. वेल, इट मेक्स यू हैप्पी इनडीड, पर हैप्पीनेस के साथ साथ क्या ऐसी कुछ चीजें थी जो मैं लगातार अपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर कर रही थी और जिससे ईयर ऑन ईयर हम ये ग्रोथ ला पा रहे थे. तो जैसे मैंने आपसे कहा दैट आर वी कंफ्यूजिंग आवर पीपल, हम अपने आप को स्पोर्ट्स स्कूल दिखाते हैं या हम अपने आप को डिफेंस स्कूल दिखाते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि वी आर एक्टिविटी ओरिएंटेड या हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हैं. ओरिएंटेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन में आप क्या रिजल्ट्स दिखा रहे हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है. नंबर टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ मच डू यू इन्वेस्ट ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ योर टीचर्स. बट व्हाई कैपेसिटी बिल्डिंग? किसी भी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होती है और मशीनरी को हम लगातार ग्रीस, तेल, पानी देते हैं, उसकी सफाई और मेंटेनेंस रखते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि आउटपुट अच्छा हो. इन अ स्कूल द टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट. सो हाउ मच आर वी इन्वेस्टिंग ऑन टीचर्स ट्रेनिंग? बातचीत करेंगे अपने वर्कशॉप के अंदर. अनदर थिंग, व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम आर यू हैविंग? डू यू हैव अ प्लान्ड करिकुलम? डू यू डू बैकवर्ड इंटीग्रेशन? बैकवर्ड अच्छा, जब मैं आपसे ये सारी बात कर रही हूं ना, बहुत सारे स्कूल ओनर्स के मन में ये आ रहा है कि हाँ हम ये सारी चीज करते हैं, इसके अंदर नया क्या है? ये सारी चीज हर कोई करता है और जैसे ही कोई ये मुझसे बोलता है दैट ये हम सारी चीज कर रहे हैं, यू आर क्लोज टू लिसनिंग, यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको आप कैसे नए ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इफ यू आर ओपन टू लिसनिंग एंड यू फील दैट यू कैन ब्रिंग दैट चेंज, यू आर ओपन टू टेक्नोलॉजी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी. यहां पर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, डू वी अलाउ चिल्ड्रन कैरिंग मोबाइल्स इन द क्लासरूम? टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन कैरिंग मोबाइल्स इन द क्लासरूम. टेक्नोलॉजी हैज वेरियस ओरिएंटेशंस टू इट. तो देखिए, स्कूल एडमिशंस आने अच्छी बात है क्योंकि आपने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. लेसर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी नेगेटिव, बट हैविंग अ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एडमिशंस टू यू. देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स विच इंफ्लुएंस एंड ब्रिंग द राइट पेरेंट टू द राइट क्वालिटी, एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मैं बहुत इन डेप्थ आपको इस 2 घंटे की वर्कशॉप के अंदर लेकर जाऊंगी, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हाउ यू कैन ब्रिंग एडमिशंस, और अगर आपको इफेक्टिव लगता है वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. सो सी यू ऑल एट द वर्कशॉप टू ब्रिंग एंड बेटर एडमिशंस.